झारखंड के बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र स्थित कोयला डिपो में रविवार देर रात 55 वर्षीय शक्ति गोप की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। साइकिल पर कोयला लादकर बेचने वाला शक्ति गोप मूल रूप से नदिया चांद पुरलिया का रहने वाला है। कोयला डिपो स्थित घर से बाहर साइकिल से 4 कदम दूरी पर खून का निशान मिला तथा घर के अंदर मिला गोली का खोखा। बोकारो पुलिस जांच में जुटी है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की जगह काम करता है, बोलता है पुलिस हमको सब चीज की मदद देता है। हम इसको डीएसपी जगह करते हैं, आप किसी को मर्डर कर देंगे इसको डीएसपी जगह की बोला। 15 अगस्त की रात्रि लगभग 11:30 बजे थाना को सूचना मिला कि यहाँ पे कोयला डिपो जो सेक्टर 9 थाना अंतर्गत आता है वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस सूचना के सत्यापन में थाना प्रभारी यहाँ से गए और वहाँ पे देखे हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर पे जख्म है और वो मृत हालत में है, तो फिर उसको वहाँ से ले जाके मॉर्चरी में रखा गया। इसी से संबंध में अभी अनुसंधान जारी है और जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है, हत्या है या कुछ और? जिस प्रकार से उसकी जख्म है उससे लग रहा है कि किसी के द्वारा उस पर मार किया गया। हमारा गोली है या कोई गहरा? एक गोली का खोखा प्राप्त हुआ से घटनास्थल से प्राप्त हुआ है और जख्म से लग रहा है कि गोली का ही निशान है। गोली शरीर के किस हिस्से में लगा? उसके चेहरे में लगा है, सामने की ओर से लगा है। इस बिंदु पे हम लोग अभी जांच कर ही रहे हैं, पूछताछ चल रहा है। उसके बाद कुछ स्पष्ट होता है तो क्या पता चल रहा है किसने जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो बहुत ही सीधा साधा, जैसा कि वहाँ के आसपास के लोग बोल रहे हैं, और छोटा मोटा कोयला का साइकिल पे ढोने वाला व्यक्ति था।